हेलो एवरीवन, एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, दैट इज़ फ्रॉम योर बॉटनी सेक्शन। सो इसमें हम मेनली ये बात करते हैं कि एक प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन कैसा होता है। तो ज़रा सा हम बेसिक चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ताकि एक आइडिया मिल पाए आपको कि हम किन चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। ऑल दो इस बेसिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है CSIR। तो मान लीजिए दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है। अब इस प्लांट के पास आपको पता है दैट इज रूट्स एरिया है, ठीक है। ये प्लांट के पास अपना एरियल सेक्शन है, राइट। तो देखने को क्या मिलता है, प्लांट का रिलेशन कैसे होता है। पहली बात तो ये कि रूट एरिया से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, एग्री। इसके अलावा हमने एक और मैकेनिज्म देखा था कि लीफ एरिया से भी ये वाटर को दैट इज इवेपोरेट कर सकता है, जिसे हम मेनली कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। इतना ही नहीं, वाटर को ये थ्रू आउट द प्लांट, दैट इज प्लांट में जो है वाटर ट्रैवल भी करता है, राइट। यहां भी H2O है। तो जब इतनी सारी जगह पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो इसी चीज की स्टडी को हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप कहते हैं। क्योंकि प्लांट की लाइफ अगर बिना वाटर के इमेजिन की जाए, तो वेरी ऑब्वियस प्लांट ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी डे टू डे लाइफ को, लाइक आप कह सकते हो नॉर्मल बेसिस पे रन करने में इसको वाटर की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि प्लांट वाटर का रिलेशनशिप कैसे बनता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि पहला हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। वॉट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, और यहां पे कोई मॉलिक्यूल है जिसका कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है कि इतना है। अब इसको तो देखकर कोई भी बता देगा कि कहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? मोर, हाई है। और यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो जब कोई चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो हम इसको कहते हैं दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करना, ऑब्लिक डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करना, ठीक है। जब कोई चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन कर रही है, मतलब उस एरिया में ऑलरेडी बहुत सी, लाइक ऑलरेडी वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, फिर भी वो मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करता जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लो एरिया से हाई एरिया की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने में। और जब भी ऐसा होगा तो वेरी ऑब्वियस यहां पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि हम अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जब कोई चीज अपने अलोंग या फिर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है, तब वहां पे ATP का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ओके। तो ये कुछ फंडा हो गया, यहाँ पे कुछ बेसिक्स हो गए। यहीं पे एक टर्म आता है दैट इज कंसंट्रेशन डिफरेंसेस ऑब्लिक ग्रेडियंट। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, कि कहीं पे हाई है, राइट, कहीं पे लो है, इसी लाइक यही जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से चीजें जो है मालूम होनी चाहिए। फिर एक यहां पे आपको टर्म देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। मेनली आप टर्म देखोगे वाटर के साथ, जिसे हम कहेंगे दैट इज वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज टेंडेंसी टू डू सम वर्क। और अगर हम ये वाटर के लिए कह रहे हैं, तो हम कहेंगे वाटर की टेंडेंसी टू डू सम वर्क इज नोन एज अ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और जब हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा वाटर पोटेंशियल में कंसंट्रेशन डिफरेंस होना जरूरी होता है, कंसंट्रेशन
डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई मॉलिक्यूल जो है दैट इज मूव कर पाता है. मेनली वाटर की बात करें तो वाटर मूव कर पाता है. और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो मान लीजिए जिस एरिया में वाटर ज्यादा है, ओके, जिस एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल हाई है. और जिस एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल भी वहां पर लो है. और नॉर्मल बेसिस पे एक आप कह सकते हो कि मूवमेंट की बात करें, वाटर के मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वाटर कैसे मूव करता है, वाटर हमेशा अपने हायर वाटर पोटेंशियल एरिया से लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया में मूव करता है. यानी जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा उस एरिया से वो ऐसे एरिया में मूव करेगा जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा लो है. तो ये कुछ हो गए आपके बेसिक टर्म्स. ग्रेडियंट देख लिया आपने, पोटेंशियल क्या होता है ये देख लिया. पोटेंशियल से आपने देखा कि अगर हम इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वाटर के लिए तो हम वहां पे वाटर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है. और प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है आपने ये भी देख लिया. तो कुछ और बेसिक चीजों के बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन. तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ लो कंसंट्रेशन. जब कोई मॉलिक्यूल अपने, मान लीजिए जिस एरिया में हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस एरिया में हाई कंसंट्रेशन है, तो जब हाई कंसंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन में मूव करता है तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूजन के केस में सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव करेगा, याद रखिएगा. यानी जो भी मॉलिक्यूल वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करेगा. वाटर मूव यहां नहीं करेगा, यहां पे कौन मूव करेगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है. और ये प्रोसेस क्या होता है? पैसिव होता है एंड स्पॉन्टेनियस होता है. यानी बिना, आप कह सकते हो कि बिना एनर्जी के ये प्रोसेस देखा जाता है बिकॉज इट इज अ पैसिव प्रोसेस. और हमेशा मॉलिक्यूल जो है दैट इज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेंगे. नेक्स्ट यहां केस आता है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस एक स्पेशलाइज्ड केस है डिफ्यूजन का. यानी डिफ्यूजन का एक टाइप है, एक स्पेशल टाइप है. इसमें क्या देखा जाता है? इसमें वाटर मूव करता है, वो भी कहां से कहां? अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि वाटर को तो अलाउ कर देता है लेकिन इसके अलावा किसी सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, एंड डिफ्यूजन के प्रोसेस में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है. और ऑस्मोसिस भी एक टाइप का दैट इज योर पैसिव प्रोसेस है. तो अगर आप देखना चाहें दिस इज अ वाटर, ठीक है, इसमें मैंने अगर एक इंक का ड्रॉप डाला है तो अभी फिलहाल में तो ये इसी एरिया में कंसंट्रेटेड है, धीरे धीरे करके आप देख रहे हो चारों एरिया में पहुंच चुका है. दिस इज व्हाट कॉल दी डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है. क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस में मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये वाला एरिया हायर कंसंट्रेशन वाला था तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में इन्होंने डिफ्यूज करना शुरू किया. और डिफ्यूज करेगा तो क्या होगा, मिडिल एरिया में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था, चारों एरिया में डिफ्यूज करना शुरू किया और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो गया. तो हम यहाँ पे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे दैट इज वाटर का ट्रांसपोर्ट दैट इज इन प्लांट, तब आपको इन सब चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी. ओके, फिर चला आता है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट. व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? तो अभी मैंने बताया, पहली बात तो ये पोटेंशियल का मीनिंग होना चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए. तो वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं. इसका यूनिट पास्कल माना जाता है. और वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल टू डू सम वर्क. जैसे कि हम आपका कहते हैं कि यस, आपका क्या पोटेंशियल है, आप कौन कौन से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप कितना काम कर सकते हो, मतलब वी आर आस्किंग अबाउट योर कैपेबिलिटी. सिमिलरली यहाँ पे वाटर के कैपेबिलिटी को देखने को ही हम कहते हैं दैट इज वाटर का पोटेंशियल. तो देखा ये जाता है कि जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, नॉर्मली जो है कहीं भी वाटर प्रेजेंट रहता है
तो वाटर के साथ कुछ ना कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं, राइट? सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ प्योर वाटर। और सीधी सी बात है, अगर एक जनरल कंसेप्ट देखा जाए, अगर मैं बेसिक के तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो मान लीजिए दिस इज अ एरिया, ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया जहां पे जो है जितना मैं ब्लू कलर के डॉट्स बना रही हूं, दिस इज अ वाटर, ठीक है? ये मान लीजिए ये एक सेल है, सेल वन, और एक और एरिया है यहां पे जिसे मैं कह रही हूं, या एक और सेल है यहां पे जिसे मैं बोल रही हूं सेल टू, इसमें भी ये वाटर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, दोनों में ही मैंने जो है दैट इज ऐड कर दिया है क्या, दैट इज सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये रेड कलर वाला यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ठीक है? या फिर अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं येलो कलर में कर देती हूँ इसको, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, यहां भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। अब अगर आपसे कहा जाए कि वाटर कौन से सेल से, वन एंड टू, कौन से सेल में एंटर करेगा, तो अगर आप जनरल बेसिस पे देखोगे तो आप ये बोलोगे कि मैम सेल वन के अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, उसके अंदर मिक्स किया गया जो पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे मैटर है वो कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो रेड कलर के डॉट यानी सॉल्यूट जो है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज अ सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाटर कम हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे वाटर कम है, और अभी हमने कहा वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रैवल करता है। तो वाटर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, सेल वन से वो एंटर करेगा सेल टू में, दैट इज वन से टू में एंट्री होगी, राइट? एंड दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो जब भी वाटर मूव करता है किसी भी सिस्टम में, दैट मीन्स एक जगह पर कंसंट्रेशन हाई है, एक जगह पर कंसंट्रेशन लो है, यानी देर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा, मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। इसीलिए जब हम खाली प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो यानी एक ऐसा सेल हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ओके, ऑल आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर प्योर वाटर है ये, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका वाटर पोटेंशियल यानी इसके काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो जीरो है। इसलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है दैट इज जीरो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इसके पास काम करने की क्षमता, क्योंकि कोई भी वाटर पोटेंशियल काम तभी करेगा जब एक एरिया में हाईएस्ट कंसंट्रेशन हो और दूसरे एरिया में लोएस्ट कंसंट्रेशन हो, तो वो मूवमेंट शो करके जो है दैट इज अपना काम करेगा। लेकिन मूवमेंट शो करने के लिए डिफरेंसेस चाहिए, और अगर एक चीज पूरी की पूरी प्योर है तो वेरी ऑब्वियस उसमें डिफरेंसेस अब देखा नहीं जाएगा। तो इसीलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो हम अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, राइट? प्योर से ज्यादा प्योर तो कोई चीज होती नहीं है, तो प्योर जो चीज है उसका वैल्यू हम जीरो ले रहे हैं, दैट मीन्स जीरो से ज्यादा वैल्यू या फिर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल प्लांट में देखा नहीं जा सकता। सिंपल सा कंसेप्ट, क्योंकि प्योर से ज्यादा प्योर कोई चीज नहीं होती है, एंड प्योर जो फैक्टर है या प्योर जो यहाँ पे वैल्यू है उसी को हमने ओवरऑल वैल्यू जीरो दिया है। दैट मीन्स अगर हम वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कितना कम, जीरो से कम। और जीरो से जो कम वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नेगेटिव कहते हैं। तो यानी सीधी सी बात है, अगर वाटर को कहें, वाटर को हम दैट इज योर सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं हम उसे सॉल्यूट कहते हैं, तो उन दोनों का जो मिक्सचर रेडी होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में वाटर भी है एंड सॉल्यूट भी है, सो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा ही नेगेटिव माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? एंड रूट हैज द लीस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। अब ये वाली कहानी कौन सी है, रूट के पास लीस्ट पोटेंशियल कैसे होता है, दैट इज वाटर का। तो सीधी सी बात है, रूट जो है लगातार वाटर को गेन कर रहा होता है, ठीक है, और गेन करने के बाद वो उसे पहुंचाता है कहां पे, दैट इज एरियल पार्ट में। तो एज बिकॉज रूट लगातार वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है,
तो वो एरिया हमेशा ही मैक्सिमम रिच रहेगा वाटर के कंसंट्रेशन में. और वाटर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, दैट इज लीस्ट नेगेटिव, यानी बहुत ही कम नेगेटिव है. कम नेगेटिव है मतलब कि वाटर ज़्यादा है. क्योंकि अगर आप जीरो के बाद अगर वैल्यू देखते हो, अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम में बनाती हूँ, तो इफ दिस इज अ जीरो और यहाँ से तो प्लस में शुरू हो जाता है 1, 2, 3, राइट. और अगर मैं जीरो कहती हूँ तो यहाँ हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, राइट. तो अगर हम देखें तो -1 इज लीस्ट नेगेटिव, राइट, एंड -3 इज मोर नेगेटिव देन -1. बचपन में पढ़ा होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है, कि -1 जो है लीस्ट नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू द -3. तो सिमिलरली वाटर पोटेंशियल जो होता है दैट इज रूट एरिया में, एज बिकॉज वो नियरली हमेशा ही वाटर को एब्जॉर्व कर रहा होता है, दैट इज वाई हम कहते हैं इसका वाटर पोटेंशियल लीस्ट नेगेटिव है. लेकिन जो एरियल पार्ट है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट बनाती हूँ, ठीक है, और ये रहा रूट एरिया, ये रहा दैट इज लीफ एरिया, और ये रहा एरियल पार्ट. तो देखने को यहाँ पे क्या मिलता है, एज बिकॉज ये रूट एरिया है तो ये लगातार वाटर को एब्जॉर्व करेगा और रूट हमेशा रिच रहेगा वाटर में, यानी वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर हाई रहेगा. और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम क्या कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा. वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट का क्या होता है, हाईएस्ट जीरो होता है. जीरो से थोड़ा सा कम है फिर भी तो वो हाईएस्ट ही माना जाएगा. तो जीरो से थोड़ा सा कम है दैट मीन्स वॉट, हम कहते हैं कि रूट एरिया में लीस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है. लेकिन जब ये वाटर ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एरियल पार्ट में ट्रैवल कर रहा है, तो आपको पता है एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसपिरेशन. और अगर वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में हो रहा है तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स बच जा रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. तो यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन एकदम लो हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो लोएस्ट हो जाता है, एकदम लोएस्ट, जिसकी वजह से यहां का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है. यहां का वाटर पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होगा. सो द एपिकल एरियल और टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट हैज द मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. मोर नेगेटिव मींस डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल, ठीक है. वाटर वहां पे सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज व्हाट कॉल द मोर नेगेटिव और हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू. सो वाटर पोटेंशियल यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो. वेरी ऑब्वियस, वाटर पोटेंशियल क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि वाटर का फ्लो किस एरिया से किस एरिया में होने वाला है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल एरिया. हमेशा ही अपने हाई एरिया से लो एरिया में मूवमेंट शो करेगा, दैट इज वाटर. तो इस ढंग से हमने देख लिया कि वाटर पोटेंशियल काम कैसे करता है. अब अगर हम समझना चाहें कि प्लांट में ये वाटर पोटेंशियल कैसे काम कर सकता है तो वो भी हम बात करेंगे. लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट आता है कि वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करने के टोटल 4 कंपोनेंट है. पहला होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे हम सॉल्यूट या फिर कंसंट्रेशन पोटेंशियल कहते हैं. सेकेंड होता है प्रेशर पोटेंशियल, जिसे हम टर्गर प्रेशर भी कह सकते हैं. आई मीन टू से प्रेशर पोटेंशियल के कारण टर्गर प्रेशर जनरेट होता है. और थर्ड होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड द फोर्थ इज मैट्रिक पोटेंशियल. प्लांट के केस में ये 2 वैल्यू को ओमिट कर दिया जाता है, क्योंकि प्लांट के केस में दे आर नॉट एप्लीकेबल. दे आर मैट्रिक्स पोटेंशियल तब एप्लीकेबल होता है जब हम सॉइल एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तब एप्लीकेबल होता है जब हम टॉल ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं. बट यहाँ पे हम बॉटनी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं. सो दैट इज वाई ओवरऑल जो आज के टाइम में एक फाइनल वाटर पोटेंशियल का जो कंसेप्ट बना है फॉर अ प्लांट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे हम साई एस कहते हैं क्योंकि इसको सॉलिड पोटेंशियल भी कहा जाता है, एंड प्रेशर पोटेंशियल जिसे हम साई पी कहते हैं. तो अब इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो देखिए, मान लीजिए दिस इज अ बीकर, राइट. आपने क्या किया, आपने इसमें जो है कुछ सॉल्यूट डाला. अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मीनिंग ना समझ में आ रहा हो तो मैं बता चुकी हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर कंसिडर किया जाए, यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाए, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया वाटर. और अगर इस वाटर के अंदर मैं शुगर डाल देती हूँ,
या फिर सॉल्ट या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगी एक्सेप्ट द लिक्विड मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्ट, दैट इज योर सॉल्यूट. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल द सॉल्यूट. तो सिमिलरली जब एक दैट इज योर वाटर के अंदर आप सॉल्यूट बहुत ज्यादा ऐड करते हो, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑल्सो कॉल द सॉल्यूट पोटेंशियल रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट. तो वेरी ऑब्वियस, अगर इस बीकर में अगर वाटर कितना ही रहे लेकिन जब आप इसमें सॉल्यूट डालते हो तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं. बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम रह जाते हैं. फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम रहेंगे तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल ही तो एक्चुअल में मूवमेंट का काम करते हैं. तो जितने कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतना ही कम जो है वाटर पोटेंशियल देखा जाएगा. इसीलिए जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते हो उतना ही लो वाटर पोटेंशियल होता जाता है. सो प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर की हम बात करते हैं कि अगर एक वाटर प्योर है उसके अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ये तो वही बात होगी कि आपने जो है दैट इज इस ढंग से लाइक हम इसको ले सकते हैं कि अगर एक प्योर वाटर है तो वेरी ऑब्वियस प्योर वाटर में तो सॉल्यूट ऐड होगा नहीं, तो प्योर वाटर का हम सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो जीरो मानते हैं. ठीक है, प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो होता है. तो जब भी आप वाटर के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हो तो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का वाटर पोटेंशियल को लो कर देता है. ठीक है, जब भी सॉल्यूट आप ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है, यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल लो हो जाते हैं. ये तो कंसेप्ट हो गई किसकी, साई एस की, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम साई एस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आता है दैट इज योर प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर पोटेंशियल है उसको हम साई पी के नाम से भी जानते हैं. साई पी क्या करता है, दैट इज द टर्म साई पी इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जिसको कि आप और ज्यादा वाटर दिए जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर और वाटर इंक्रीज होगा. वाटर इंक्रीज होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होता है अंदर, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ये प्रेशर वाटर की वजह से क्रिएट होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं. लेकिन ये जो वाटर की एंट्री है सेल के अंदर वो क्या कर रही है, वाटर का कंसंट्रेशन और बढ़ा रही है. वाटर का कंसंट्रेशन और बढ़ा रही है मतलब वाटर पोटेंशियल को बढ़ाती जा रही है. फाइन, सो इन दिस वे अगर हम कहते हैं कि वाटर को अगर हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा. और अगर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है वाटर का लूज होना, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा. सो नेगेटिव प्रेशर रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव प्रेशर राइजेस द वाटर पोटेंशियल. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, मतलब मान लीजिए एक सेल को वाटर आप दिए जा रहे हो तो क्या होगा, कुछ देर बाद सेल के अंदर एक बहुत ही प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा प्रेशर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल में दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर जो सेल वॉल होगा उसकी तरफ पुश ऑन करेगा. और ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है दैट इज व्हाट कॉल्ड द टर्गर प्रेशर, क्योंकि इस प्रेशर के कारण जो है एक सेल टर्जिडिटी भी गेन करेगा, एज वेल एज अंदर का जो दैट इज सेल मेम्ब्रेन होगा वो सेल वॉल की तरफ प्रेशर लगाएगा. मतलब समथिंग लाइक दिस कि ये इस पर्टिकुलर सेल ने वाटर गेन किया और अब ये वाटर गेन करने के बाद इतना ज्यादा इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया कि ये अपने वॉल पे जो है दैट इज एक फोर्स लगा रहा है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड द टर्गर प्रेशर. तो यहाँ पे अगर हम दैट इज योर प्रेशर पोटेंशियल की भी बात करते हैं तो प्योर वाटर का भी प्रेशर पोटेंशियल जो है जीरो माना जाता है. ठीक है, प्योर वाटर का भी प्रेशर पोटेंशियल जीरो होता है. तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो, प्योर वाटर का दैट इज योर ऑस्मोटिक पोटेंशियल जीरो, एज वेल एज प्योर वाटर का प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो ही कंसिडर किया जाता है. इस बात को आपको याद रखना है. तो ये हो गई कुछ बातें जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है अगर आप प्रेशर पोटेंशियल का कंसेप्ट डील करना चाहते हैं. तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि स्टार्टिंग में जो है वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट क्या दिया गया कि सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मैट्रिक्स पोटेंशियल. लेकिन बोला यह गया कि प्लांट में जो है ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती हैं, ये दोनों वैल्यू एलिमिनेट हो जाती हैं, एलिमिनेटेड फॉर प्लांट्स. और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास अब क्या रह गया फॉर्मूला, सिर्फ ये दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दी साई एस प्लस साई पी. ठीक है,
यानी वाटर पोटेंशियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल, और इसके थ्रू हमने देखा कि वाटर पोटेंशियल काम कैसे करता है। अब अगर हम चाहें तो इसकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी हम इसको वो भी हम डील कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। फाइन, तो अगर हम यहाँ पे समराइज करना चाहें कि आपने वाटर पोटेंशियल में क्या क्या पढ़ा, तो हमने ये देखा कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एज बिकॉज सॉल्यूट पोटेंशियल में क्या होता है, वाटर पोटेंशियल में इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट की बात करते हैं तो वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज जितना ज्यादा आप हाई सॉल्यूट देते हैं एक वाटर के अंदर, उतना ही लो वाटर पोटेंशियल होता जाता है। बिकॉज डिक्रीज इन क्यों होता है, बिकॉज देर इज अ डिक्रीज इन फ्री वाटर मॉलिक्यूल, इन फ्री H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, और जितना ही कम सॉल्यूट होगा, जितना ही कम सॉल्यूट होगा उतना ही क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल एक्चुअल में एक नेगेटिव एंटिटी है, ये जो है वाटर पोटेंशियल को नेगेटिव बना देती है, दैट इज वाई हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। इसलिए अक्सर अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सॉलिड पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा ही लगभग आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वो नेगेटिव दिया गया है। अब आते हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, एक मिनट, इसको आई थिंक हमें सॉल्यूट कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। तो जब भी आप पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हो, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है, दैट इज गेन ऑफ वाटर, गेन ऑफ वाटर। तो वो क्या करता है, वो जो है वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव प्रेशर लगाते हो, नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है, दैट इज वाटर जो है रिलीज हो जाता है, रिलीज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम साई पी को मैक्सिमम टाइम क्या कहते हैं, इट इज अ पॉजिटिव एंटिटी, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव बेसिस पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल को वो बढ़ा रहा है, यानी वाटर पोटेंशियल की पॉजिटिव बेसिस पे हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर यही काम हम कहें कि हम जो है सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है, दैट इज वाटर के पोटेंशियल पे। तो अब तो ये तो कहानी हो गई आपके वाटर पोटेंशियल के बारे में कि वाटर पोटेंशियल काम कैसे करता है। अगर हम समझना चाहें प्लांट में ये कैसे काम करता है तो जरा सा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्लांट जो है, प्लांट में रूट एरिया में, ठीक है, रूट एरिया में सबसे पहले क्या होता है, रूट एरिया में देखने को मिलेगा कि रूट जो है यहां से वाटर को गेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब आप वाटर देते हो तो वो वाटर सॉइल के अंदर आता है। ठीक है, वो वाटर सॉइल के अंदर आता है, सॉइल से क्या करता है, प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये अब्सॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि रूट का वाटर पोटेंशियल सॉइल के वाटर पोटेंशियल से कम होता है। यानी यहां पे अगर हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल इट इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट। और हमने क्या कहा था, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे वाटर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, यहाँ पे वाटर जो है सॉइल से रूट एरिया में ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा। तो यानी रूट ने क्या किया, अब रूट ने वाटर ले लिया, राइट, ये वाला एरिया था सॉइल का, रूट ने वाटर ले लिया, अब क्या कंडीशन बनता है। अब अगर हम बात करें रूट एंड स्टेम की, तो रूट एरिया फिलहाल में बहुत ज्यादा रिच है वाटर में। तो देखने को क्या मिलेगा कि एक्चुअल में जब यहां पे हम बात करेंगे तो रूट का अब वाटर पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ स्टेम। तो अगेन वाटर कहां से कहां ट्रैवल करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, यानी रूट एरिया से अब वो ट्रैवल करेगा स्टेम एरिया में। ठीक है, और जब हम स्टेम एरिया को देखते हैं कि स्टेम एरिया का जो वाटर पोटेंशियल है
वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट पे जो वाटर पोटेंशियल है उसके वाटर पोटेंशियल से काफी ज्यादा हाई होता है स्टेम का वाटर पोटेंशियल। तो वाटर फिर कहाँ करेगा ट्रैवल, दैट इज स्टेम एरिया से एरियल एरिया में। तो क्या करेगा वाटर जो है फिर यहां से यहां ट्रैवल करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस तरीके से पूरे प्लांट में वाटर सर्कुलेट होता है। और फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट यहां से ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर को लूज करता जाता है। तो सबसे ज्यादा वाटर की कमी एक्चुअल में एरियल पार्ट में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा जाता है, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे आपको सबसे नेगेटिव वाटर पोटेंशियल मिलेगा, मोस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव। और रूट एरिया में क्या होगा, रूट एरिया में आपको दैट इज लीस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल मिलेगा। और अगर आप देखेंगे, अगर इन सबको एक साथ अगर हम समराइज करना चाहें तो ये कैसे चल रहा है, दैट इज वाटर पोटेंशियल की बात करें तो सॉइल के अंदर का वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद दैट इज रूट के अंदर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है, देन इसके अलावा जो है दैट इज इसके बाद आता है आपका स्टेम, स्टेम के बाद चला आएगा दैट इज एरियल पार्ट, ठीक है। इसीलिए वाटर जो है इस तरीके से फ्लो करता है, फ्लो ऑफ वाटर, और इस तरीके से प्लांट अपनी पूरी बॉडी में वाटर को सर्कुलेट कर पाता है और जो नीड होती है उसे कंप्लीट कर पाता है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, साथ ही साथ आप ये भी समझ लेंगे कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट, ठीक है, गेट का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, बट यस ये गेट का रीसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है टू प्लांट सेल एम एंड एन, ठीक है, एक प्लांट दो प्लांट सेल है एम और एन आर लाइंग साइड बाई साइड मेकिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, एक ये सेल है जिसका नाम है एम और एक ये सेल है जिसका नाम है एन, यही बोला गया है, लाइंग साइड बाई साइड विद द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे के जस्ट बगल में है एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। एम हैज अ ऑस्मोटिक पोटेंशियल दैट इज साई एस ऑफ -10 bar। ओके, तो एम के पास जो यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे हम सॉलिड पोटेंशियल कहते हैं, कंसेंट्रेशन पोटेंशियल कहते हैं, किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, इन तीनों में से कोई भी नाम एट अ टाइम दे सकता है, तो यहां बोला है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो वैल्यू कितनी है देखिए, यहां पे माइनस में देके रखा है -10 bar, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड पोटेंशियल जो है दैट इज नेगेटिव एंटिटी होती है, इसलिए वैल्यू आपको नेगेटिव में ही यहां देखने को मिलेगा। फिर देखिए क्या बोला है, एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ 4 bar, और एम का प्रेशर पोटेंशियल कितना है 4 bar है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एन हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ -12, और एन का क्या है, एन का यहां पे दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है -12, एंड प्रेशर पोटेंशियल कितना है यहां पे दैट इज योर, एंड द प्रेशर पोटेंशियल इज 5 bar। पूछा क्या गया है, बेस्ड ऑन दीज डेटा व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द एम एंड एन, यानी वाटर कहां से कहां मूव करेगा। तो देखिए आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट कहां है, क्या है, दैट इज वाटर पोटेंशियल जहां पे ज्यादा रहता है वहां से वो कहां ट्रैवल करता है, जहां पे वाटर पोटेंशियल कम रहता है, मतलब वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में ट्रैवल करता है, सिंपल फंडा। तो अगर मुझे एम सेल का वाटर पोटेंशियल पता चल जाए और एन सेल का वाटर पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि वाटर कहां से कहां ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर देना कैसे है, यानी सीधी सी बात है, हमें एम और एन का वाटर पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे एम और एन का वाटर पोटेंशियल बहुत आसान है, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी, राइट। यहाँ पे साई एस कितना है -10, प्लस यहाँ पे साई पी कितना है 4, तो यहाँ पे साई डब्ल्यू एम का साई डब्ल्यू कितना चला आया, एम का साई डब्ल्यू चला आया -6, ठीक है। अब निकालते हैं हम एन का यहाँ पे अगर साई डब्ल्यू निकालना चाहे तो ये हो गया साई एस प्लस साई पी, साई एस कितना है -12 है, प्लस साई पी कितना है 5 है। अगर आप इसको दैट इज इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट वुड बी 5 5 10, दैट इज 7 चली आएगी, ठीक है, -7, ठीक है।
ये माइनस सेवन होगी। तो अब आप खुद सोचिए यहाँ पे जो है दैट इज साई डब्लू एम का कितना है, एम का है दैट इज माइनस सिक्स एंड एन का कितना है साई डब्लू दैट इज माइनस सेवन। अब यहाँ चला आता है कंसेप्ट, हमने ये कहा जहां हाई वाटर पोटेंशियल होगा वहां से लो वाटर पोटेंशियल में ट्रेवल किया जाएगा, मतलब जितना ज्यादा वाटर उतना ही ज्यादा लेस नेगेटिव वैल्यू, राइट। यही तो अभी तक सीख रहे हैं सब चीजें, तो अभी तक यही सीखा जा रहा है। और लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू, अभी तक सॉलिड पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा, तो ये समझ में आ गया होगा कि यस जब वाटर बहुत हाई होता है तो लेस नेगेटिव होता है, जैसे कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है जीरो, तो प्योर इतनी ज्यादा जब कोई चीज है तब उसका वैल्यू है दैट इज योर टोटली जीरो। यानी अगर जीरो से दैट इज अगर वाटर में थोड़ी इंप्योरिटी भी रहती है या कोई सॉलिड भी ऐड रहता है तो लेस नेगेटिव तो होगा, बहुत मोर नेगेटिव कब होगा जब वाटर एकदम ही कम हो जाएगा, तो मोर नेगेटिव। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो एम क्या है, एम एज कंपेयर टू एम का यहां वाटर पोटेंशियल है माइनस सिक्स और एन का है माइनस सेवन, तो एन माइनस सिक्स क्या हो गया, माइनस सिक्स हो गया दैट इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू द माइनस सेवन, और माइनस सेवन हो गया दैट इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द माइनस सिक्स। तो वाटर कहां से कहां ट्रेवल करेगा, वाटर ट्रेवल करता है दैट इज लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव में ट्रेवल करेगा, यानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा, यानी सीधी सी बात है वाटर विल मूव फ्रॉम एम टू एन, दिस इज आर आंसर। तो आंसर यहां पे देख सकते हैं दैट इज ए, दिस इज द आंसर, एम से एन की तरफ मूव करेगा, सीधी सी बात है। एंड विद दिस वी आर डन विद द वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, तो अगर आप समझना चाहें तो बहुत अच्छे से, जैसे यहां पे भी मैंने दिखाया था आपको, यहां पे लीस्ट नेगेटिव था क्योंकि यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या था, अगर यहां पे डालना चाहेंगे आप तो यहां पे वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा दैट इज योर हाई था, इसलिए यहां पे लीस्ट नेगेटिव था। और यहां पे मोर नेगेटिव क्यों था, बिकॉज यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया था, वाटर पोटेंशियल एकदम ही लो हो गया था। तो ये सारी बातों को कनेक्ट करके आपने देखा तब जाकर एक क्वेश्चन बना है। तो इसी ढंग से आपको सभी चीजों को जो है ज्वाइन करते हुए चलना है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आता है फिर दोबारा से एक बार देखिए। अगर आपने पहली बार ये पढ़ा है तो शायद पहली बार में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं बिकॉज ये सीएसआई नेट के सिलेबस में भी ये कंसेप्ट है, तो आई थिंक आपको जो है समझ में आ जाएगा अगर आप एक से दो बार रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट के अंदर, बिकॉज उसके पीछे अलग से थ्योरी रन होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।